बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्स एंड हनी चैनल। हाउ आर यू ऑल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आलू गोश्त तो बना लिया था, तो अब बारी थी राइस की। ये देखें, मैं ज़रदा बना रही थी, तो इस वजह से मैंने सेला राइस लिए थे और 1 kg का पैकेट था, तो वो सारे मैंने 1 किलो पैक खोल के और उसमें से राइस मैंने गीले कर दिए थे। तकरीबन 30 to 40 मिनट्स मैंने पानी में भिगो के रखे थे और उसके बाद मैंने उनको बॉईल किया था। तो जब ये अच्छी तरह कुक हो गए थे तो फिर मैंने इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लिया और इसके बाद फिर मैं इसी देगचे में दोबारा से घी डाल लूँगी और उसी देगचे में दोबारा से इन्हें कुक कर लूँगी मैं। तो घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था और बाद में ऊपर से भी थोड़ा सा डालती हूँ, तो फिर इस हिसाब से मैंने डाला था कि बहुत ज़्यादा ना हो सके। तो इलायची को कड़कड़ाया मैंने घी में और ऊपर से फिर मैं अब चीनी डाल रही हूँ। 1 किलो राइस में 3 पाव चीनी डलेगी, तो वो मैंने अब डाली है और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और फिर जब शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। तो बस अब ये देखें, इतना अच्छा शीरा बन गया है, तो इसमें अब मैं राइस डाल देती हूँ और फिर इनको मैं दम पे रख दूँगी। और आज इनमें मैं कलर पहले नहीं डाल रही हूँ, मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा सा भी इन्हें दम पे लगा के उसके बाद। तो अभी जब मैं इन्हें दम पे लगा ही रही थी तो इतना अच्छा बाहर मौसम हो रहा था, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर से वेदर देख के आते हैं। तो देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है और इतनी अच्छी ठंडी हवा थी और अब तो ऐसे सर्दी फील होती है कि जैसे सर्दी आ चुकी है। और इतने अच्छे क्लाउड्स भी थे और हवा बड़ी अच्छी तेज़ चल रही थी ना, बड़ा मज़े का मौसम लग रहा था। तो यार इनको दम पे मैं रख के गई थी, वापस आई तो ये तकरीबन हो चुके थे डन, तो मैंने फिर इनमें कलर्स डाले और ये आपको तो पता ही है 3 कलर ही हमेशा ही डलते हैं, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। वो डालने के बाद मैंने कोकोनट पाउडर डाला और उसके बाद मैंने डाला था केवड़ा एसेंस। वो डालने से इसमें खुशबू बहुत प्यारी आ जाती है ना। तो उसके बाद ये हमारे कुछ चिप्स आ चुके थे, वो मैं भी देख ही रही थी, मैंने कहा चलो हरमैन आए तो उसके साथ खाएंगे। तो ये मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक राइस को दम पर रखा था और अब मैंने इनको देखा तो ये बहुत अच्छे से बन चुके थे और फिर ये कलर मिक्स किए मैंने और बड़े मज़े के मुझे ये लग रहे थे। लेकिन ईद मिलादुन्नबी के बनाए थे इसलिए भी मैंने टेस्ट नहीं किए थे उनका, पहले इसके ऊपर ख़त्म वगैरह दे लें तो उसके बाद फिर इनको खाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे बने हैं। तो कलर बहुत प्यारे आए थे और अब हम बाहर जा रहे थे और ये देखें बाहर से अच्छी सारी सजावट हुई हुई थी, तो मैंने इसकी भी थोड़ी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग काफ़ी सजाते हैं घरों को और बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं सजी हुई। तो इसके बाद अब हम जा रहे थे सेवर पे, हमने वहाँ से देख ली थी सेवर की और हम वापस भी निकल आए थे, ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो जब हम निकले तो हमें याद आया कि हमने अपने लिए तो कबाब लेने थे और रायता भी लेना था, वो हम भूल गए थे, तो वो लेने के लिए अब हम दोबारा से जा रहे हैं सेवर पे। और देख तो हमारी गाड़ी में पड़ी हुई है, हम पहले से ले चुके थे। एक दर्जन कबाब का अरबी, 6 रायते का आपने, 3 सलाद, बस कितने? 765। मैं दे के आ गया हूँ सलाद कबाब और रायता वगैरह, ये यहाँ रखते हैं। अभी चलते हैं, इधर हम पहुँच चुके हैं फिल्टर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं फिल्टर खाली पड़ा हुआ है और इधर से भरते हैं अब हम पानी।
अभी जैसा कि आपने देख लिया पानी भर चुके हैं और अब घर जाते हैं और फिर जुमे की तैयारी करते हैं। तो अब हम फाइनली घर वापस जा रहे हैं और फवाद ने जैसे आपको बताया कि जुमे का दिन है तो उसकी तैयारी करनी है। बस घर पहुंच के पहले जुमे की तैयारी करेंगे, नमाज़ वगैरह अदा करेंगे, तो उसके बाद फिर सेवर का उस पर ख़त्म वगैरह देना और फिर उसके बाद उसको मोहल्ले में बांटना है। तो इतना तो भी थोड़ा सा काम है और उसके बाद फिर देखते हैं आगे फिर क्या करते हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं, देख ले के पानी ले के, तो अब यहाँ पे उतारते हैं हम और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारी देख पहुंच चुकी है घर पे और अभी थोड़ी देर बाद इसमें हम दरूद दे के तकसीम करेंगे। तो हमने ये सब चीज़ें निकाल दी हैं प्लेट्स में और इसके ऊपर अब हमने ख़त्म देना है, बल्कि मॉम ने ही देना है इसके ऊपर ख़त्म। तो उन्होंने जब इसके ऊपर ख़त्म वगैरह दे लिया था तो फिर हमने मोहल्ले में बांटा और उसके बाद फिर हमें ख्याल आया कि हम अबू जी के चलते हैं, तो हम वहाँ पर भी कुछ राइस लेकर गए। तो बस कुछ देर में हम वहाँ पहुँच गए थे और फिर मेरी सिस्टर भी वहाँ आई और हमने फिर मिल के वहाँ पर राइस इंजॉय किए और बहुत मज़ा आया। जी क्या हाल है, आप तो सो गए थे किधर? सुनने हमने आप सो गए थे, सोए नहीं थे, लेट गए। ये आपने क्यों अबाया चढ़ाया हुआ? ये बच्चों के लिए रखे थे, हमने कभी आएंगे तो खा लेंगे। आपकी नींद कुछ पूरी हुई है? वीडियो बना लूं पहले मैं। जी हमारा तो काम है। आनिया देखो जरा, ओपन करती ना, ये वाला ओपन करो। शर्ट है ये, ट्राउजर नहीं, बस यही है। अच्छे इसके साइज के ही नहीं तो अच्छा साइज है, बहुत अच्छा। नीचे होते हैं ना ये, अब्दुल आपने पहन लिए।